भारत का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो मित्तल ग्राउंड मुमरा में सभी लोगों के लिए आ चुका है। अब आपको ये फिश टनल देखने के लिए दुबई, सऊदी, अफ्रीका या फॉरेन में नहीं जाना पड़ेगा। आप इसका एक्सपीरियंस मुमरा में ही कर सकते हैं। पिन्हाना से लेकर शार्क, क्रोकोडाइल फिश जैसे हर प्रजाति की फिश आपको मुमरा के फिश टनल एक्सपो में देखने मिलेगा। मगर इतना ही नहीं, आपको ये फिश टनल एक्सपो मुमरा के बेहतरीन मेले में देखने मिलेगा। हाँ, अब तक का सबसे बेहतरीन मेला। सही सुना आपने, क्योंकि ये आम फन फेयर नहीं है। यहाँ पर आपको जबरदस्त अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, शॉपिंग, सेल्फी पॉइंट, स्पेशल किड जोन के साथ फूड कोर्ट, आओ गली, एम्यूजमेंट पार्क, फन फेयर, 30 रुपीज में कोई भी घर का सामान एक ही छत के नीचे आप सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। तो अपने परिवार और दोस्तों को लेकर कहीं बाहर क्यों जाना, जब मुमरा में है इतना बेहतरीन ठिकाना। एक बार जरूर विजिट करें मुमरा मित्तल ग्राउंड फन फेयर एंड अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, मुमरा मित्तल ग्राउंड शंकर मंदिर के पास। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में हिल लाइन पुलिस स्टेशन में फायरिंग का मामला सामने आया है, जहां शिंदे गुट के नेता महेश गायकवाड़ पर फायरिंग के आरोप में बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि आपसी विवाद की वजह से बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ पर फायरिंग की थी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ और शिवसेना के शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ के बीच काफ़ी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, और इसी विवाद को लेकर दोनों पक्ष उल्हासनगर के हिल लाइन पुलिस स्टेशन में पहुंचे थे, जहां बहस के दौरान बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक ने शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ पर 6 गोली मार दी। गोलीबारी में महेश के अलावा एक अन्य नेता राहुल पाटिल भी बुरी तरह से घायल हुआ है। इसके बाद दोनों ही नेताओं को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पुलिस ने बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ को गिरफ्तार कर लिया है, और अब इस मामले की जाँच में आगे ठाणे क्राइम ब्रांच की भी एंट्री हो गई है। सर क्या मामला है, क्या कशासाठी आले होते दोन्ही एकत्र? थांबना सर, क्या मामला है? हिल लाइन पोलीस स्टेशन में महेश गायकवाड़ और गणपत गायकवाड़ दोनों का आपस में किसी इशू पे कुछ विवाद था, इसी कारण कुछ कंप्लेन देने वो आए थे। उसी दरमियान दोनों में चर्चा चल रही थी, उसी दरमियान आमदार गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ और उसके साथियों पर गोलीबार किया है। उसमें 2 लोग जख्मी है और आगे की तहकीकात शुरू है। सर पुलिस कितने राउंड फायरिंग हुई है? राउंड फायर है सर, दोनों साइड से फायरिंग हुई बताया जा रहा है। पूरी डिटेल तहकीकात शुरू है, ये पूरा होने के बाद आपको डिटेल बताया जाएगा। सर दोनों बाजू फायरिंग सर दोनों बाजू से फायरिंग हुई ऐसी बात सामने आ रही है? फायरिंग एकाच बाजू ने झाली अशी उपलब्ध सीसीटीव्ही फुटेज वरून दिसते, परंतु आता अधिक तपास सुरू आहे, त्यानंतर आपल्याला सांगणार।